हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वर्षा नसीर। सो जो आज का वीडियो है वो थंबनेल से पता ही चल गया है। आज मैं दिखाऊंगी अपना जूती कलेक्शन, या फुटवेयर में मैं जो मेरी जूती है पंजाबी जूती, मैं उनका कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। हील्स वगैरह का फिर कभी देखते हैं, लेकिन मोस्ट डिमांडेड वीडियो है मेरे चैनल पर ये कि मैं अपना जूती कलेक्शन दिखाऊं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहली वीडियो मैं दिखाती हूँ गोल्ड कलर से, क्योंकि गोल्डन कलर एक ऐसा कलर है वो हर किसी सूट पे जाएगा। और ये देखिए, ये है नलकी में, ये जो जूती का जो डिज़ाइन है ये नलकी में है, हैंडवर्क की जूती होगी। और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ से होती है मेरी जूती, क्योंकि मैं जूती बहुत पहनती हूँ तो कंफर्टेबल सबसे मेन बात होती है जूती की। आप कंफर्टेबल होनी चाहिए आपकी जूती, और जूती मैं कहीं से भी ले लेती हूँ। अमृतसर गए हैं तो वहाँ से भी जूती ले आई हूँ। पंजाब में तो मोस्टली मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से जूती ज़रूर लेके आती हूँ, लेकिन रोहतक से मैं कहाँ से जूती लेती हूँ? रोहतक में है राजस्थानी फैंसी जूती, ठीक है, ये है फोटो वाली गली में शॉप है, तो मैं वहाँ से जूती लेती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो। तो फर्स्ट मेरा जो आर्टिकल था ये वाला था, जो जो मैंने पहन रखी होगी और जो भी मेरे पास फ़ोटो होंगे मैं साइड में फ़ोटो लगाती रहूँगी जूती के। सो नेक्स्ट है हमारी येलो कलर, आप लोगों ने ये भी काफ़ी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, इसीलिए कह रही हूँ अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरी ये वाली येलो, ये देखिए दुबके का काम है, पूरी हैंडवर्क है, बहुत ही प्यारा कलर है ये येलो कलर हम कह सकते हैं, वही सॉफ्ट मटेरियल रहेगा बिल्कुल भी। तो इसका भी फोटोज मैं वीडियो मेंशन कर दूंगी साइड में कि ये कैसी लगती है। तो मोस्टली कलर्स है मेरे पास, जो भी होंगे मैं अभी आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास ये क्या कलर है, पीच कलर, पिंक कलर, पीच कलर बोल देंगे क्योंकि लाइट पिंक हम नहीं कह सकते, क्योंकि लाइट पिंक मेरे पास दूसरा, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में डिफरेंस दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, क्योंकि पिंक मेरे पास ये है तो ये पीच कलर है। ओके, तो ये जो जूती है ये भी देखिए आप बिल्कुल पास से वर्क देखिएगा, मुझे वैसी और ना एक शेप आती है जूती की, वो जूती की शेप मैं कहीं इंटरनेट से फ़ोटो लेके साइड में ज़रूर लगाऊंगी, मुझे वो शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जूती इसकी, तो इसलिए मेरे पास वैसे लोकल जूती एक भी नहीं होगी। तो ये है, अभी शादी के बाद पता है क्या, मेरे पास ना सारी हैंडवर्क में कलेक्शन है। शादी से पहले मैं बहुत सारी प्रिंटेड जूती डालती थी, मेरे पास अभी एक दो थी शायद, वो मेरी मायके रह गई, लेकिन कभी लेके आऊँगी ना वो वाला कलेक्शन भी ज़रूर दिखाऊंगी। इसी स्टफ़ में प्रिंट में जूती आती हैं, तो अगर आप अनमैरिड हो तो और डेली कॉलेज के लिए चाहिए तो आप वो वैसी जूती मंगवा सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये सारी हैंडवर्क की है। तो ये है पीच कलर। तो नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको दिखाया पिंक कलर, तो ये है मेरी पिंक कलर, और ये है मेरे हस्बैंड की चॉइस। यस, उन्होंने मुझे शादी में जो गिफ्ट करते हैं, तो जो हमारे यहाँ मतलब फुटवेयर देने होते हैं बहू को, तो तब तो फुटवेयर्स में मेरी दो जोड़ी जूती इन्होंने दी थी, वो मैं दूसरा जो पेयर आएगा वो भी दिखाऊंगी। तो ये उनकी चॉइस की है, काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये पर्पल सूट पर भी जाएगी, एंड ग्रीन पे जो सी ग्रीन दिख रहा है स्काई ब्लू सा, उस पर भी जाएगी। ये भी पूरी टोटली हैंडवर्क में, ये तो मैंने काफ़ी पहनी है इसकी, तो बहुत सारे फोटोज़ है मेरे पास, वो मैं लगा दूंगी। सो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी जूती सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नेक्स्ट है मेरे पास वेलवेट में भी कुछ कलेक्शन है, वेलवेट का सारा कलेक्शन मैं एक साथ दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ मैं सारा हैंडवर्क में। नेक्स्ट है मेरे पास वाइट विद मल्टी कलर, एक तो वाइट कलर है, वाइट सूट पे भी जाएगा, मोस्टली वाइट जो हमारे सूट होते हैं या तो प्लेन होते हैं, या उस पर जो भी वर्क होगा ऑरेंज रेड कैसा भी वर्क हो, तो ये ऐसी जूती है मेरे वाइट कलर के जो भी सूट होंगे हर सूट पे जाता है, इवन मल्टी कलर इस पर वर्क हो रखा है। ये देखिए,
ये मेरे पास पिंक कलर का कलेक्शन, पिंक लाइट पिंक मैंने आपको दिखा दिया, ये है डार्क पिंक, ये देखिए। तो पिंक में भी काफ़ी वैरायटी मेरे पास, जैसे एक पिंक और है, एक ये तो पिंक कलर है, एक रानी कलर होता है, और रानी कलर में मेरे पास दूसरा पेयर है, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ये बहुत शोबर है, वैसे वर्क इसका भी है, ये धागे वाली जो कढ़ाई बोलते हैं हम, वो हो रखी है इस पर, गांठ वाला वर्क हो रखा है इस पर ये, और ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। पिंक कलर, डार्क ग्रीन, ब्लू, जो भी है, हम कई बार कंट्रास्ट में पहनते हैं। मोस्टली मैं जूती लाइक पिंक सूट डाला तो पिंक कभी कभी तो डालती हूँ, लेकिन अगर मैंने वाइट सूट डाला है और उस पर पिंक वर्क है तो मैं पिंक जूती पेयर करती हूँ। ऐसा आप कंट्रास्ट के साथ जाके देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, एक पिंक कलर मेरे हस्बैंड की चॉइस है, एंड दिस वन। और ये जूती मेरी बहुत पसंद है, सभी को बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत इंस्टा पे भी बहुत इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि आपकी ओरिंज जूती आपने कहाँ से ली थी, कहाँ से ली थी। तो इन्होंने बताया ये रोहतक से ही ले रखी है, फ़ोटो वाली गली से, क्योंकि मेनली फ़ोटो वाली गली में ही हैं सारी शॉप्स। तो अभी उनको इतना नहीं याद था कि कौन सी शॉप से ले रखी है, तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ये देखिए पर्ल का काम हो रखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो पर्ल लगा हुआ है, ये दुबके का काम है, ये नलके का काम है, पूरा टोटली हैंडवर्क है। और ये जूती भी मेरी फेवरेट जूती है, जी हाँ। और इसका जो कलर है वो रस्ट कलर है, ऑरेंज कलर है, मेरे काफ़ी सूट्स पे जाता है ये, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, मेरी फेवरेट है ये जूती। नेक्स्ट जो मैं दिखाऊँगी वो भी, अभी इन पिंक कलर की बात की थी तो पिंक कलर दिखाती हूँ मैं, वो मैंने पिंक कलर दिखाया था, ये देखिए ये रानी रंग कलर में है। और ये मेरे पास बिल्कुल हैवी मटेरियल में है, बिल्कुल ब्राइडल जूती भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को मतलब पिंक कलर का लहंगा अगर किसी को पहनना है तो, अगर किसी को पिंक कलर का लहंगा पहनना है तो आप इस टाइप की जूती पहन सकते हो। मैं अभी आपको लहंगे वाली जूती भी दिखाऊंगी जो मैंने अपने लहंगे पे पहननी थी। तो ये मैंने, ये ओके मुझे याद आ रहा है, ये मैंने अपनी हल्दी पे पहन रखी है, मैं अपनी हल्दी का फोटो जरूर लगाऊंगी यहाँ पे। तो मैंने शूट करवाया था इन जूतीज के साथ, ये देखिए जूतीज का वर्क। एंड इनकी प्राइस की बात करूँ गाइस, तो ये सारी ही जूती मेरी जो है 1000+ है, क्योंकि ये सारी टोटली हैंडवर्क में है, तो ये 1000+ ही आती हैं, कोई 1200, कोई 1300, कोई 1500। तो ये इस टाइप की जूती आपको 1000+ ही मिलेंगी, ये देखिए, बिकॉज आपको सस्ती भी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो सस्ती मिलेगी जिस उसका ये जो सोल होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, पैर काटती है, लेकिन ये जो सॉफ्ट वाला मटेरियल हम लेंगे तो ये 1000+ ही मिलती है आपको। नेक्स्ट है मेरा अगेन वाइट, वो वाइट मल्टी कलर के साथ था, एंड ये वाइट गोल्ड के साथ है, पूरा दुबके का काम है इन जूती पे। ये जूती, इस टाइप की जूती आपके मतलब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने भी सूट होंगे रेड येलो, कई बार हम इतना कलेक्शन नहीं रख पाते, तो मोस्टली सूट्स पे इस टाइप का वर्क तो ज़रूर होगा। तो आप ये जूती किसी भी हैवी सूट पे पहन सकते हो, वियर कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरी रेड कलर की जूती, और ये भी, पर ये तो वेलवेट का ही कलेक्शन है, मैं वेलवेट के साथ ही दिखाऊंगी लास्ट में। अगेन हम आए हैं पीच कलर पे, वो पीच अलग था, कलर की भी कितनी सारी शेड्स होती है, एंड दिस वन, ये पीच है जो ये अलग है, इस पर भी मल्टी वर्क हो रखा है, मल्टी कढ़ाई हो रखी है। ये मैंने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पे जो येलो सूट है उस पर पहना था, वो मैं मेंशन कर दूंगी। आप देखिए पहले वर्क देखिए, पर्ल का भी काम हो रखा है, धागे का काम है, जरी का काम है, एंड मटेरियल बहुत ज़्यादा ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको पास से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको वर्क दिख जाए जूती इसका कि कैसा है। नेक्स्ट है मेरी ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ये देखिए फ्लेमिंगो के साथ,
वाह बहुत अच्छे ना, बहुत सारी। ये देखिए दुपट्टे का काम है, बिल्कुल टोटली हैंड वर्क है जुत्ती इस पे भी। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको, ये है ब्लैक कलर की जुत्ती। आज मुझे ये भी पता चला कि मेरे पास कौन से कलर की जुत्ती नहीं है। आज मुझे ये पता चला कि मेरे पास डार्क ग्रीन कलर की जुत्ती नहीं है, थी मेरे पास लेकिन मुझे वो छोटी आ गई थी साइज में, इसलिए मैंने किसी को गिफ्ट कर दी थी ऐसे कैसे मेरे को आ नहीं रही थी, तो इसीलिए मेरे को पता चल गया कि डार्क ग्रीन चाहिए और करवा चौथ आ रहा, करवा चौथ की शॉपिंग पे डार्क ग्रीन जुत्ती हो जाए। नेक्स्ट ये पिस्ता कलर, ये पिस्ता कलर की जुत्ती है एंड ये भी हम पहन सकते हैं डार्क ग्रीन के साथ, ऐसी बात नहीं है। ये जो पीच कलर की जुत्ती थी उसके कुछ सिमिलर सा डिजाइन है। नेक्स्ट है मेरे पास जो भी वेलवेट में है तीन जोड़ी जुत्ती, वो रह गई थी तो रेड। ये देखिए रेड कलर तो आपके पास होना ही होना चाहिए, अगर आपकी नई नई शादी भी हो रही है तो आपके पास रेड कलर की जुत्ती जरूर होनी चाहिए। और जो वेलवेट में वर्क आता है ना सच में बहुत प्यारी लगती है वो जुत्ती, तो आप वेलवेट में ट्राई कर सकते हो। तो अगर ग्रीन कलर मुझे वेलवेट में मिला तो मैं वेलवेट में ही ट्राई करूँगी। तो ये थी मेरी रेड जुत्ती। नेक्स्ट है मेहरून, ब्लैक मेहरून। ये जुत्ती है जो ये मेरी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने अपनी शादी वाले दिन पहन रखी थी अपने लहंगे पे, मेरे लहंगे से बिल्कुल मैच कर रही थी। मैं फ़ोटो लगा दूंगी आप देख लेना, अगर अभी तक आपने ब्राइडल लुक नहीं देखा है तो आज आप देख सकते हो मैंने लगा रखा है, तो ये मेरे ब्राइडल लुक पे मैंने वियर की थी। नेक्स्ट और इस वीडियो की लास्ट जुत्ती ये है नेवी ब्लू, ब्लू कलर है ये, देखो ब्लैक लग रहा है देखो, लेकिन ये ऐसी ये ना ब्लू कलर है वेलवेट में ही है। और इस बार सिर्फ इस जुत्ती की वजह से मैं विंटर में ब्लू वेलवेट का सूट रेडी करने जा रही हूँ। यस ये देखिए काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो में मैंने जुत्ती कलेक्शन दिखाया। बाकी जो जुत्तीज़ है वो मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पुरानी इन द सेंस की वो मैं फ़ोटो वोटो में आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, तो मुझे जो लगा कि मुझे दिखाने चाहिए आपके साथ शेयर करना चाहिए जो जुत्ती, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सी जुत्ती ज़्यादा अच्छी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाय, थैंक यू।